with a performance clip to the email ID ddrockfusion@gmail.com. Rock Fusion, let your music be loud. हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। कड़वी सच्चाई को कबूल करना ही पड़ेगा कि तुम कहीं बहुत दूर चले गए हो, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? मेरे दिल पे जो बोझ है वो कब हटेगा कैफी? तुम्हारे बगैर मुझे कब तक जीना पड़ेगा कैफी? लोग कहते हैं कि कैफी जैसे इंसान रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, ऐसे इंसान मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। मैं अपने दिल को समझाती हूँ कैफी कि तुम अमर हो गए हो, लेकिन इसका क्या करूँ कि बार बार ख्याल आता है कि तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ कैफी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय दो, बताओ कि तुम कौन हो, तो मैं कहूँगी मैं औरत हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, एक्ट्रेस हूँ, मुसलमान हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ। चलूं तो आसमान लपेट लूं, पहाड़ तोड़ दूं, जो ठान लूं अगर मैं लेके आ रही हूँ एक नई सहर, नया फलक नई जमीन बनाऊंगी, मैं मंजिलों को साथ लेके जाऊंगी, कठिन नहीं मेरे लिए है कोई सफर, मैं लेके आ रही हूँ एक नई सहर, मैं लेके आ रही साथियों। आदत के मुताबिक थोड़ा सा जोश लाने के लिए हमारा जो नारा है वो भी हो जाए, तो जोरदार गगनचुंबी आवाज में बोलिए, कमाने वाला, लूटने वाला, नया जमाना। ये मुझे विरासत में मिला है अपने माँ बाप से, क्योंकि मेरे वालिद कैफी आज़मी साहब, जो कि उर्दू के बहुत मशहूर शायर भी थे और फिल्मों में भी गीत लिखते थे और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर ऑफ़ द कम्युनिस्ट पार्टी, और मेरी अम्मा शौकत कैफी जो कि थिएटर में काम करती हैं, कुछ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, इन्होंने हमेशा माना है, मेरे वालिदैन ने हमेशा माना है कि आर्ट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। आप कला को एक ज़रिए की तरह इस्तेमाल करिए सामाजिक बदलाव लाने के लिए। आप अपने अतराफ देखते हैं, आप देखते हैं गैर बराबरी क्यों है, यहाँ बराबर का हक लोगों को क्यों नहीं मिलता, यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद क्यों हो रहे हैं। तो जब आप ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखेंगे, ये सवाल पूछेंगे, तो उस सवाल के साथ साथ कहीं ना कहीं आप ज़रूर ये फील करने लगते हैं कि मैं अपने कला को सिर्फ एक 9 to 6 जॉब की तरह नहीं ट्रीट कर सकती, कि कहीं जो कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रही हूँ, जो कि इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, उनका कुछ तो मेरे ऊपर रेसिड्यू रहेगा। जिसमें गुरु भाई भी थे, उनके बाल सफ़ेद नहीं थे उस ज़माने में, मेरे भी सफ़ेद नहीं थे, 1986 की बात है। हम सब लोग 5 दिन की भूख हड़ताल हमने की थी और हमने ये मांग की थी कि ये जो झोपड़पट्टी जिसको इन्होंने कुलाबा बीच कुलाबा में तोड़ दिया था, उनके लिए पर्यायी जगह मिलना ज़रूरी है। तो सरकार के बहुत सारे हमने दरवाजे खटखटाए और सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो आखिरकार हमने 5 दिन का भूख हड़ताल करके और फिर सरकार से ये ज़मीन ली। उस ज़माने में तो इस ज़मीन में कुछ नहीं था। मैं समझती हूँ कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही एक ज़रिया नहीं है, समाज में बदलाव लाने के बहुत सारे ज़रिए हैं, और क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मेरी शक्ल पहचानी जाती है, मेरे काम को लोग पसंद करते हैं और जानते हैं, इसलिए मुझे एक्सेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप पॉलिटिकल पावर चाहते हैं क्योंकि आप एक तरह से बदलाव वहाँ से लाना चाहते हैं, मैं समझती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसी तरह से मैं समझती हूँ कि सिविल सोसाइटी भी बदलाव ला सकती है। तो सिविल सोसाइटी को एम्पावर करना सही मानों में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी है। गो इनसाइड ओवर हियर एंड लुक एट दिस साइबर कैफे। एक मिनट हम लोग अंदर आ सकते हैं आपका? नमस्ते नमस्ते, ये कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो कार्टर रोड है और जो बैंड स्टैंड है 4.5 किलोमीटर का और जो 4 किलोमीटर जुहू बीच है, इसमें जो काम हो सका वो मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की वजह से हुआ। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो अपने आप में भी इम्पोर्टेंट बात है। सिर्फ पॉलिटिक्स के ज़रिए बदलाव आ सकता है ये मैं नहीं मानती हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कोई कुछ नहीं बोलता, बदतमीज बच्चे। सही मानों में तो मुझे जो 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एज बेस्ट एक्ट्रेस, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो मेरे जो प्रोफेशनल करियर के साथ जुड़े हुए हैं। और ये फैक्ट कि मुझे सबसे पहले अपनी पहली फिल्म अंकुर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, और उसके बाद एक के बाद एक 3 अवार्ड्स मिले थे, हैट्रिक हुआ था, कि जो आज तक और कोई एक्टर या एक्ट्रेस उसके बारे में नहीं कह सकता। तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत अहम है। लेकिन सही मानों में अगर आप कहेंगे कि कौन से अवार्ड से मुझे रूहानी खुशी हुई, वो था गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़ जो मुझे हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में मिला। ये जो मेरा काम है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का पिछले 20 साल से, और ख़ास तौर से के 20 साल के स्ट्रगल के बाद आज जो है निवारा हक, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिलोंग करती हूँ, जो कि मुंबई में रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों के लिए संघर्ष करती है, हमने जो है 12,000 फैमिलीज़ को संजय गांधी नेशनल पार्क में से वहाँ से हटवा के और रिहैबिलिटेट किया चांदिबली की साइट में। तो ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है। तो ये गांधी पीस प्राइज़ मुझे इस काम के लिए मिला है। उनका कहना यह था कि मुंबई के अंदर पब्लिक के लिए, मतलब पुनर्वसन के लिए, इतने परिवार को जगह ही नहीं। तो समानाज में और गुरुवीर सिंह पीके दास, ये जो निवारक के जो मुख्य हैं, उन्होंने ये जो ज़मीन जो आपको दिख रही है ये ज़मीन ढूंढ निकाली, बिल्डर भी ढूंढा, और गवर्नमेंट के पीछे लग के पब्लिक के लिए, मतलब वहाँ घर बनाने का शुरू किया। यकीनन मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरा नाम कहीं भी किसी भी छोटे स्तर पर अगर गांधी जी के साथ जुड़ता है तो वो मेरे लिए एक इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस अवार्ड के साथ एक जिम्मेदारी और एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए इनकरेजमेंट मिलता है। वो सिरडोन फेंक रहे थे, खूनी फेंक रहे थे, बम्बई के बाहर फेंक रहे थे और उन्हीं की जगह पे फेंक रहे थे। वो 20 साल के बाद और भी डिमोलिशन करते थे। वो जो संघर्ष जो ये निवारा ने करा और निवारा ने जितना मेहनत किया उतना हमको अच्छा हुआ। शबाना जी ने आज तक हमसे कभी एक पैसे का सवाल भी नहीं करा है, न किसी चीज़ लालच में हमारे से करा रहा है। वो पब्लिक के लिए भी वो संघर्ष करके उनका जाहिर है लड़ाई, उसके पास विश्वास था गरीब के लिए। पीछे रही है डोंगर में उतने के लिए वो कुछ करेंगे, ये हमको आशा है। गुरु भाई आपके घर चले, कम यहाँ से जाना। नमस्ते जी, तरह कैसे हो? नमस्ते। जाओ मम्मी के पास। एक फिल्म में काम किया था बहुत साल पहले, 1983-84 में, उस फिल्म का नाम था, महेश भट्ट की फिल्म थी अर्थ। और उस फिल्म के बाद मुझे इतनी हैरत हुई कि मेरे पास झुंड की झुंड औरतें घर पे आने लगी, इस उम्मीद के साथ कि मैं उनकी शादी के जो मसले हैं वो हल कर पाऊँगी, सिर्फ इसलिए कि मैंने अर्थ में काम किया था। और मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, मैंने तो सिर्फ एक एक्टर होने के नाते एक रोल किया था। और फिर मेरी समझ में आया कि लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा आपके कैरेक्टर को
आपके आपके एक्चुअल कैरेक्टर से वो लोग कंफ्यूज करते हैं, और तो मुझे ऐसा लगा कि कलाकार का तो कोई फ़र्ज़ है कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो और अपनी आवाज़ इस्तेमाल करे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रमोटर कोई औरत प्रमोटर नहीं है, इतने सारे अपनी महिलाएं हैं और तुम लोग जाए चुपचाप, उन्होंने बोल दिया और तुम लोग चुपचाप ये बात मान लिए, मेरे को शर्म से अपना सर तोड़ना है। दुनिया भी बोलती है कि औरत नहीं मांगती, दुनिया जो है वो कहती है कि हम औरत को पैदा ही नहीं होने देंगे, तो क्या हम कबूल कर लेंगे जो दुनिया बोलेगी या हम दुनिया को बदलाएंगे? वो अपने को हटाएंगे, आप उन्हें हट सकते हैं? आप अगर दुनिया के मसलों को देखें तो उनके हल सिर्फ मर्द ही देते हैं, चाहे वो वॉर्स के बारे में हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के बारे में हो, पॉलिटिक्स के बारे में हो, आर्ट के हो। तो औरतें क्या कह रही हैं आज? औरतें कह रही हैं कि हम जो हैं इस दुनिया की आधा, इस दुनिया की आधी दुनिया का हिस्सा हम हैं, और हमारी राय को शामिल करिए, ये जो मसले हल करने की जो बात है उसमें हमारी राय को शामिल करिए। यही तो कहने वुमेन आर नेगोशिएटिंग मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स। और अगर किसी महिला को आपको पता चलता है कि उसके साथ ये सुलूक हुआ, तो सब औरतों से मैं ये उम्मीद करूंगी कि वो लोग जाके उसको, जो मर्द उनको ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जो मर्द कह रहे हैं तुमको रख भी दिया तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तो उनको समझाना कि ये मुल्क का संविधान कहता है कि 33% तो औरतों का यहाँ हक है, तुम कैसे हमसे ये अधिकार छीन सकते हो? मुझे औरतें बहुत पसंद हैं, मैं औरतों से बात करने में बहुत इन्जॉय करती हूँ, और हर लेवल की औरत, वो मेरी काम करने वाली बाई जो है, जो मेरे कपड़े धोती है, चाहे वो हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हो, चाहे वो फिल्म्स की हो, मैं औरतों को पसंद करती हूँ, उनमें मुझे दिलचस्पी है। अब इसमें औरतें अपने बारे में क्या सोचती हैं, तो इसमें मैंने कई बार ये देखा है कि झेप के मुझे कोई औरत बोलती है आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, और मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि जस्ट अ हाउस वाइफ का मतलब क्या है? आप इतना काम कर रही हैं, आपने अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट दिया है, आपके बलबूते पे ये फैमिली चल रही, नहीं तो बाकी के लोग वो काम ही नहीं कर सकते, आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तो आप हाउस वर्क को कैसे समझती हैं कि दिस इज़ नथिंग? सो वी हैव टू चेंज आवर ओन माइंड सेट अबाउट वॉट वी रिगार्ड एज वर्क। हिंदुस्तान की औरतें चाहे वो गाँव में रहें या चाहे वो शहर में रहें, वो काम करती हैं, और हमको ये दिखाना चाहिए अपनी फिल्मों में कि ये औरतें काम करती हैं, क्योंकि जब आप इनको काम करते हुए दिखाएंगे तो इसका एक पॉजिटिव इमेज बनेगा। मैं ये समझती हूँ कि इस मेंटल मेकअप को चेंज करने में बहुत बड़ा हाथ है फिल्मों का, और फिल्में इस परसेप्शन को चेंज करने में बहुत काम कर सकती हैं। टेलीविज़न में आज अगर आप देखेंगे तो टेलीविज़न बिहाइंड द सीन्स, टेलीविज़न बीइंग रिटन, टेलीविज़न बीइंग मेड इज़ ऑल अबाउट वुमेन, और वो किस तरह की स्टीरियोटाइप्स उन औरतों को लेकर कर रहे हैं, या तो वो चुड़ैल है या वो देवी है, वही स्टीरियोटाइप में हम लोग हमेशा जी रहे थे। और मुझे इस बात की बहुत हैरत होती कि इसके बावजूद कि औरतें इतनी ज़्यादा हैं टेलीविज़न में, और जो औरतों की इमेजेस हैं वो उसी की उसी तरह से 17th सेंचुरी को बिलोंग करती हैं। जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो समाज को बदलने के चक्कर में नहीं है, वो इस चक्कर में है कि वो पैसे कमाए। तो वो ये जाके देखता है और समझता है कि ऑडियंस को इस चीज़ की ज़रूरत है और उस पे फिल्म बनाता है। अगर उसको ऑडियंस इस बात का यकीन दिला दे कि औरतों को इस तरह के एम्पावर्ड रोल्स में देखना लोग पसंद करेंगे, तो वो सब कुछ छोड़ के यही फिल्में बनाएगा। तो कहीं जो है ये जिम्मेदारी समाज और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में है। हर रोज़ सुबह होती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, कभी बादल घिर कर आ जाते हैं, कभी बारिश की फुहार अंदर बरामदे में आ जाती है,
रोज की तरह हमारा मुलाजिम विनोद मेज पर चाय की ट्रे लाकर रख देता है, लेकिन सामने की कुर्सी खाली है। उस पर मेरी कैफी नहीं है, जो अपनी कमजोरी के बावजूद मेरे हाथ की बनी हुई चाय की प्याली के इंतजार में कुर्सी पर आकर बैठ जाती थी और अपने कांपते हाथ से। आज से 50 साल पहले मेरे वालिद ने एक नज़्म लिखी थी, औरत उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो उस ज़माने में जब लोग आम तौर से औरत से ये कहते थे कि मैं बाहर जाके अपनी लड़ाई लड़ के आ रहा हूँ, तुम जो है चूल्हा जलाओ, बच्चों की देखभाल करो, उस ज़माने में कैफ़ी आज़मी ने कहा था, ज़िंदगी जहन में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खमे घेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में तुलकती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेद बदलती है कजा तेरे लिए, कैर है तेरी हर एक नर्मदा तेरे लिए, जहरी जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुख बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। औरतें कोई मोनोलिथ हैं क्या? एक ये चीज़ है कि औरत होना उसकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है और जिसकी वजह से उसके बहुत सारे मसले एक जैसे होंगे, लेकिन दे आर डिटर्मिंड बाय क्लास, दे आर डिटर्मिंड बाय रीजन, दे आर डिटर्मिंड बाय एजुकेशन, इट्स डिटर्मिंड बाय मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल। मेरा मुसलमान होना सिर्फ एक हिस्सा है मेरे परिचय का, मेरा परिचय सिर्फ मुसलमान नहीं हो सकता, इट्स वन एस्पेक्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। तो इस तरह से परिचय को, आइडेंटिटी को आप जब एक कंसर्टेड एफर्ट करके एक नैरो सी कन्फाइन में डालने की कोशिश करते हैं तो वो सही नहीं है। तो आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो आपकी पूरी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, पूरी आइडेंटिटी नहीं है। हम लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं उसमें हमने होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इसको हमेशा बहुत धूमधाम से मनाया है और ये मेरे लिए हिंदुस्तानी होने का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा लगता है, क्योंकि मैं जब हिंदुस्तान को वेस्टर्न मुल्कों से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप देखिए कि वहाँ सिर्फ एक उनके पास क्रिसमस है और एक थैंक्स गिविंग है एंड दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे पास कितने सारे इस तरह के त्यौहार हैं जो हम पूरी तरह से मना सकते हैं और जो कि हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 92-93 के जो फसाद हुए थे बम्बई में, वो मेरे लिए गालिबन मेरी ज़िंदगी का सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये लफ्ज़ मुस्लिम मेरे ऊपर फेंका गया एक गाली की तरह, या तो मेरे ऊपर फेंका गया एक गाली की तरह या तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारे साथ और एहतियात से बात करना पड़ेगा, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जो कि मेरे लिए इतनी शॉकिंग बात थी। मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ उसमें हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हूँ बिल्कुल, और जब इस तरह से तुम मुसलमान हो एक गाली की तरह मेरे पे फेंका गया तो मैंने अपनी पूरे एड़ियाँ गाड़ दी और कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ और तुम क्या करना चाहते हो इसके बारे में। तो इस तरह से जब आप लाते हैं एक आइडेंटिटी किसी को और आप अपने आपको क्राइसिस में महसूस करते हैं तो यू सडनली वांट टू असर्ट एन आइडेंटिटी विच यू डोंट एक्चुअली फील टू दैट एक्सटेंट, और उसकी वजह से ये तब्दीली मुझ में आई और मैं ख़ास तौर से जुड़ी मुस्लिम इश्यूज़ को भी लेके, हालांकि मैं सिर्फ मुस्लिम इश्यूज़ पे नहीं लड़ती हूँ, मैं तो औरतों के इश्यूज़ पे लड़ती हूँ, वो औरतें मुसलमान हों या हिंदू हों, लेकिन ये वक्त मेरे लिए इतना ट्रॉमेटिक था क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी जब पार्टीशन हुआ था, मेरे माँ बाप ने ये तय किया था, उनके सामने ये चॉइस था कि वो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से माना कि हिंदुस्तान उनका मुल्क है, उसकी आज़ादी की जद्दोजहद में उन्होंने अपना खून बहाया है और वो यहाँ बिल्कुल सिक्योर हैं, हिंदुस्तान उनका मुहाफिज है।
और उसके बाद सितंबर 11 आया, तो जो हिंदुस्तान में एक तरह से हो रहा था वो सारी दुनिया में ही होने लगा। अब तो जो है लव्स मुसलमान को आप सिनोनिमस मानते हैं टेररिस्ट से। आप ये कैसे कर सकते हैं और आप ये क्यों करते हैं? ये कितना गलत है, क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक कालिक पोतते हैं कि वो टेररिस्ट हैं? टेररिस्ट टेररिस्ट होता वो किसी भी मुल्क का हो। IRA के टेररिस्ट को आप उसके रिलीजन से क्यों नहीं पहचानते? जो श्रीलंका के टेररिस्ट हैं उनको उनके रिलीजन से क्यों नहीं पहचानते? सिर्फ मुसलमान को ही क्यों टेररिस्ट जो है उसको मुसलमान है? दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दिस इज़ बींग डन डिलिब्रेटली। और ये इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है और ईविल डिज़ाइंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। और इसके साथ साथ जो मुसलमान कट्टरपंथी लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। कई बार ये कहा जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में उनकी कंडीशन जो है वो मजॉरिटी से ज़्यादा ख़राब है, और वो इसलिए है कि उनमें इल्म की कमी है। पहले तो ये बात कितनी गलत है मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि ये रियली इसका मैं समझती हूँ कि मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, कल्चरल मिलियू से ताल्लुक़ है। क्योंकि अगर आप केरला को देखें जिसकी 40% लोग माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी जो औरतें हैं वो इक्वल हैं टू द एक्सटेंट जो हम लोग बाहर के मुल्क में देखते हैं। उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो आती हैं केरला की, उसमें हम देखते हैं कि वहाँ की औरतों का सशक्तिकरण पूरी तरह से हो गया, इसके बावजूद कि 40% जो हैं माइनॉरिटीज़ को बिलोंग करती हैं। उसके मुकाबले में आप UP और बिहार को देखें, अब वहाँ की औरत जो है वो अपने आप को डेफिनेटली कम पोजिशन में है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द कल्चर नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। ये गलत है ऐसा सोचना। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो नज़म है, वो कहती है कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बाँ अब तक तेरी है। मुझे लगता है कि औरतों को इस ताकत की ज़रूरत है कि वो उठ के बोलें उनके ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसके ख़िलाफ़ बोलें, उनके हक़ में जो हो रहा है उसको और स्ट्रेंथन करें। तो उसकी मैं दो लाइन्स गुनगुनाना चाहती हूँ। वह बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है, देख के आहंगर की दुकान में तुंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कहे।